अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की स्नैपी करंट अफेयर्स वीडियो में परीक्षा उपयोगी प्रश्नों का कलेक्शन किया गया, काफ़ी कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को शामिल किया गया। तो वीडियो एक से दो बार सुनेंगे, क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे। अद्यतन जो करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होती हैं उसी की वीडियो अपलोड की जाती है चैनल पर। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी इस प्रकार की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन देखने को सबसे पहले मिले। खासियत होगी वीडियो की ये कि इमेज के साथ होगी, ताकि आप इमेज के साथ यदि प्रश्नों को पढ़ते हैं तो ऐसा माना जाता है कि वो लॉन्ग टाइम तक आपकी मेमोरी में बना रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त को ज़ाया किए। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत एवं विश्व में जलीय कृषि की स्थिति जो है, सोफिया रिपोर्ट खाद्य एवं कृषि संगठन की द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया के शीर्ष मछली उत्पादक देशों में शामिल हो गया है। वहीं अगला इंपॉर्टेंट है, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं गुजरात राज्यों के नाता प्रथा नामक परंपरा को लेकर नोटिस जारी किया है। नाता प्रथा में जो है स्टाम्प पेपर पर महिलाओं या बालिकाओं को बेचना अथवा व्यक्तियों द्वारा कुछ समुदायों की कम आयु की बालिकाओं या लड़कियों से विवाह करना शामिल होता है। अगला इंपॉर्टेंट है, 18 वर्षीय नागपुर की लड़की और शतरंज के अंतर्राष्ट्रीय मास्टर दिव्या देशमुख ने फीडे जूनियर अंडर 20 लड़कियों का विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है। वहीं पुरुष वर्ग में बात करें तो कजाकिस्तान के 20 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर काजीबेक नोकेबेर्क ने विश्व खिताब जीता। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 13 जून को राज्य की राजधानी भोपाल के राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राज्यीय हवाई सेवा का शुभारंभ किया। इसे पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा कहा जाता है और पहली उड़ान को राजधानी भोपाल से जबलपुर के लिए हरी झंडी दिखाई गई। अगला इंपॉर्टेंट है, सेबी को द एशियन बैंकर द्वारा बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर के रूप में सम्मानित किया गया। साथ ही साथ इसे भी जानते हैं, भारत के लिखित एसपी और धीनी देश सिंधु ने 2024 सिंगापुर नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में 2 कांस्य पदक जीते। अगला इंपॉर्टेंट, आर अश्विन की आई हैव द स्ट्री क्रिकेट स्टोरी आत्मकथा का विमोचन इस आत्मकथा के लेखक आर अश्विन और सिद्धार्थ मोंगा हैं। अगला इंपॉर्टेंट, अल्पना किलावाला द्वारा लिखित अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल नामक पुस्तक का विमोचन अल्पना किलावाला आरबीआई की पूर्व कार्यकारी निदेशक रह चुकी हैं। वहीं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि महिला उद्यमी डॉक्टर शिवानी वर्मा द्वारा स्थापित स्टार्टअप इंजीनियर रिसर्च सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने सफलतापूर्वक एक एआई टूल दिव्य दृष्टि विकसित किया है जो चेहरे की पहचान जैसे अपरिवर्तनीय शारीरिक मापदंडों के साथ एकीकृत करता है। वहीं अगला इंपॉर्टेंट है, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जक, भारत विश्व में नाइट्रस ऑक्साइड जिसे N2O कहते हैं का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है, जो एक ग्रीन हाउस गैस है जो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में वायुमंडल को कहीं अधिक गर्म करती है। वर्ष 2020 में ऐसे वैश्विक मानव निर्मित उत्सर्जनों में लगभग 11% भारत से था, 16% चीन से था। अगला इंपॉर्टेंट है, खीर भवानी मंदिर महोत्सव में कश्मीरी पंडितों ने लिया हिस्सा, हजारों कश्मीरी पंडित ने 14 जून को कश्मीर घाटी के गंदरबल जिले में स्थित खीर भवानी मंदिर में ज्येष्ठ अष्टमी के वार्षिकों में भाग लिया। इस अवसर पर काफी लोगों ने 1990 के दशक में बढ़ते आतंकवाद के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में प्रवास किया था। अगला इंपॉर्टेंट है, घरों की कीमतों में पूरी दुनिया में मुंबई तीसरे, दिल्ली को मिला 5वां स्थान। इस साल जनवरी मार्च के दौरान घर की कीमतों में बढ़ोतरी के मामले में ग्लोबल लेवल पर शीर्ष 44 शहरों में मुंबई तीसरे और दिल्ली 5वें स्थान पर है। कुछ और खबरें, भारत IOR एक क्रूज पर्यटन सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ। वहीं दक्षिण अफ्रीका के सिरिल रामाफोसा ने राष्ट्रपति के रूप में 2रा कार्यकाल हासिल किया। भारत 2025 FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की मेजबानी करेगा। भारत अगले साल पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कार्यकारी बोर्ड ने यह घोषणा की। यह प्रतियोगिता दिसंबर में खेली जाएगी। प्रतियोगिता में यह पहला अवसर होगा जबकि इसमें 24 टीम हिस्सा लेंगी। वहीं पूजा तोमर ने रचा इतिहास, UFC फाइट जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। टाटा काम ने विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए 5 साल की वैश्विक मेजबान प्रसारण सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किए। पेमा खांडू ने 3री बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वहीं अगला इंपॉर्टेंट है, वेस्ट इंडीज के गुडा केस मोती तथा श्रीलंका की चमारी यथा पत्थू ने मई महीने में शानदार प्रदर्शन के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता। अगला इंपॉर्टेंट है, भारतीय रेलवे ने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। भारतीय रेलवे ने कई स्थानों पर एक सार्वजनिक सेवा कार्यक्रम में सर्वाधिक लोगों के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया। रेल मंत्रालय ने 26 फरवरी 2024 को एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें 2000 से अधिक स्थानों पर 40,19,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल मोरदीलाल चंद्रकांत भंडारे का हुआ निधन। तो अगला इंपॉर्टेंट, 18 जून को दुनिया भर के देश हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। थीम है हेट स्पीच का मुकाबला करने और इसे संबोधित करने के लिए युवाओं की सख्त। उपराष्ट्रपति ने संसद भवन परिसर में पेड़ा स्थल का उद्घाटन किया। राज्यसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन संयोजन में पेड़ा स्थल का उद्घाटन किया। इस नए निर्मित स्थल में राष्ट्रीय महापुरुष और स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्ति स्थापित की गई जो पहले भवन के विभिन्न स्थानों पर फैली हुई थी। वहीं अगला इंपॉर्टेंट, न्यूजीलैंड के लाकी फर्गसन ने पापुआ न्यूगिनी के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप इतिहास में 4 ओवर मेडन फेंकने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज। और भारतीय रिजर्व बैंक को लंदन के प्रमुख प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग ने 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ जोखिम प्रबंधक के पुरस्कार से सम्मानित किया। रिजर्व बैंक ने रविवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया कि उसे अपनी जोखिम संस्कृति और जागरूकता में सुधार के लिए सर्वश्रेष्ठ जोखिम प्रबंधक का पुरस्कार दिया गया। तो आप देख रहे थे स्नैपी करंट अफेयर्स परीक्षा उपयोगी प्रश्नों की फटाफट अंदाज की वीडियो। मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स वीडियो के साथ। चैनल पर अगर पहली विजिट करें चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन देखने को सबसे पहले मिले।